तो जी आज की इस वीडियो में आपको बड़ी छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। अगर आपके पास पहले कोई मारुति की गाड़ी थी तो उसमें आप यहाँ पे जैसे ट्रिप ए और बी सिलेक्ट करते थे, उसके बाद में उसको जीरो करना बड़ा ही आसान होता था। जैसे कि अगर आपको मारुति की गाड़ी में, जैसे आपने ये ट्रिप ए है, चलो ये ट्रिप बी है जिसमें 108.6 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, अगर आपको ये रीसेट करना है तो आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और अपने आप वो चीज़ रीसेट हो जाएगी। पर अगर बात करें, यहाँ पे ये गाड़ी है भाई टाटा की, जो कि आपको पता ही है टाटा पंच ICNG मॉडल है। अब यहाँ पे आपको ये इतनी इजीली नहीं होगा, यहाँ पे आप इसको स्विच तो कर सकते हैं ए बी और ओडो पे, तो यहाँ पे जो ये है इसको आप इसको प्रेस और होल्ड करके आप इसको ज़ीरो नहीं कर सकते। इसको करने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपको वो वाला बटन छोड़ के यहाँ पे जो दूसरे वाला बटन है इसको आपको यहाँ पे प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है, ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। तो बड़ी छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर से बताना, क्योंकि अगर आप मारुति से या किसी और कंपनी से आ रहे हैं अचानक से टाटा की गाड़ियों पे, तो हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम, बड़ा ही छोटा सा है पर आपको हो सकता है। जी ऐसी ही और जानकारी के लिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर बने रहें।